बाकी मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ पहले। माय नेम इज़ विजय चौधरी और मैं ऐसे लोगों के बीच में से आता हूँ जो प्यार मोहब्बत लव रोमांस इन चीज़ों को लेकर ना बहुत ही प्रैक्टिकल है। जाट हूँ मैं। हमारे यहाँ नहीं होता है प्यार मोहब्बत ये सब है, लेकिन एक्सेप्शन आर ऑलवेज देयर। तो मैं अपने जाटों का एक्सेप्शन हूँ क्योंकि मुझे प्यार हो गया था स्कूल में और नाम था लड़की का युक्ता। अरे मतलब अरे देखो ऐसा प्यार जब होता है ना आपको, मैं आपको बताता हूँ, जब प्यार होता है ना आपको ऐसे ही नहीं किसी से भी हो जाता है, आपको प्यार होता है किसी इंसान की ऐसी क्वालिटी से जो उसको दुनिया से अलग दिखा रही है। जैसे यहाँ कोई डॉग लवर है, कोई है? युक्ता नहीं थी। मुझे कैसे पता चला, एक दिन बैठी हुई थी, कुत्ता साइड में से जा रहा, उसको लात मार गया, तुम सारे मर्द एक जैसे होते। मतलब हल्का फुल्का तो होता है, उसको प्यार था लेकिन इतना वाला नहीं था। जैसे कुछ लड़कियां होती है ना अपने बॉयफ्रेंड और कुत्ते को एक ही नाम से बुलाती है, जानू। उतना वाला नहीं था। लेकिन जब आपको प्यार होता है पता कैसे चलता है, जब आपको प्यार होता है ऐसा नहीं होता पीछे फूल गिर रहे हैं, कोई गिटार बजा रहा है, सब बेकार की बातें, मैं बताता हूँ। जब आपको प्यार होता है ना और अपने प्यार को आवाज़ देते हो तो साउंड है ना एको करता है। हाँ हाँ, मैंने अपने दोस्तों को भी बताई थी ये बात। मैंने कहा जब यार मैं युक्ता को आवाज़ देता हूँ ना तो साउंड एको करता है। जैसे मैंने बोला युक्ता तो साउंड एको करता है, युक्ता 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 युक्ता। कहता हमें पता है वो एको हम ही करते हैं। मैंने तुझे बताने की क्या जरूरत है बेबी। मैंने मुझे तो सच्चा प्यार है ना। कहता लेकिन अगर तुझे सच्चा प्यार है तो युक्ता को पाने में हम तेरी मदद करेंगे। और मैं बता दूँ, जब दोस्त इतने कॉन्फिडेंस से कोई बात बोल देना तो समझ लो लोहे का कच्चा सिलवाने का टाइम आ गया। वो बहुत बड़ी मरवाते हैं भाई साहब। मैंने करना क्या, कहता हम प्लान बनाएंगे। अच्छा सा, तो हमने प्लान बनाया निहायती खुद्दू प्लान। मेरे को लग रहा था, मैंने उनको बोला, मैंने कहा प्लान थोड़ा चूतिया नहीं लग रहा? कह रहा हमें पता है लेकिन तू खुद सोच, इससे अच्छा हम सोच भी तो नहीं सकते। हाँ बात तो सही है, मैं 3 दिन लगा के, जब हमारा ये बेस्ट है तो हमारा तो यही बेस्ट है। मैंने कहा प्लान क्या है? कहता प्लान सुन, युक्ता को प्रपोज करने तेरी तरफ से मैं जाऊंगा। अब इसका नाम है जसविंदर, ये हरियाणा का जाट है, इसके दूर दूर तक लव मैरिज नहीं है किसी की, इसके माँ बाप को तो मैरिज के बाद आपस में लव नहीं हुआ है, ये मेरे लिए प्रपोज करने जा रहा है। घबराहट तो हो रही थी मेरे मन में, मैंने ठीक है, और इतने बदतमीज तरीके से प्रपोज किया ना इसने युक्ता को, उसको पता कैसे, कह रहा ओ पापा की परी। कहते देखने में तो कुछ खास है नहीं। कहते फिर इस लड़के को हाँ क्यों ना बोलती। भाई जो गाना है ना छन से जो टूटे कोई सपना, वो मुझे बैकग्राउंड में सुनाई दिया है। भाई पापा की परी युक्ता मेरे को पापा की परी बन के उड़ती हुई नजर आ रही है जिंदगी से। मैंने इसने तो लगवा दिया जिंदगी के। अब ये वापस आया ना प्रपोज करके, इसकी एक आंख पे हाथ है। मैंने कहा क्या हुआ? कहता डार्क सर्कल। मैंने कहा ऐसा कौन सा डार्क सर्कल है तेरी एक ही आंख पे हो रहा? मुझे कहता भाई युक्ता तेरे लायक ही नहीं है। मैंने कहा क्या हुआ? कहता उसको बीमारी है स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की। मैंने कहा नहीं ये कहाँ से हुआ? कहता यार जब मैं प्रपोज करने गया था ना फूल जैसी लड़की थी, मेरे प्रपोज करते ही अचानक फूलन देवी बन गई। कहता कुत्ते की तरह मारा उन्होंने। मैंने कहा तो तू भीड़ में गया क्यों? जब उसके साथ जो 2 सहेलियाँ होती है तब चले जाता। कहता भाई जब मैं गया था ना तो वो 3 ही थी। कहता प्रपोज करते ही अचानक 13 हो गई। कह रहा उसमें 10 तो लड़के थे। कह रहा पूछ पूछ के मार रहे थे कहाँ ज़्यादा लग रही है। तो यहाँ से अमित आया मेरे पास, कह रहा तू कहाँ इसके चक्कर में पड़ गया यार। कह रहा इसको छोड़, मैं बताता हूँ तेरे को। अब ये वो लड़का हर ग्रुप में होता है ना एक लव ग्रुप,
जिसके पास खुद की गर्लफ्रेंड नहीं होती लेकिन दूसरों को ऐसे ज्ञान बांट रहा होता है जैसे इसी ने प्यार फैलाना है सारे संसार में। मुझे कहता है एक काम कर, तू है ना छाती पे ब्लेड से लिख ले आई लव यू युक्ता। मुझे पागल हो गया तू, मैंने तो जानता मैं कितना सेंसिटिव हूँ, मैंने मुझे लोगों की बातें चुप जाती हैं। मैंने कहा ब्लेड तो मेरी गांठ फाड़ देगा। कहता नहीं हो पाएगा क्या? मैंने कहा बोल के बताऊं तुझे, है ना भाई ये नहीं हो पाएगा। कहता फिर एक काम कर, एक हफ्ते का टाइम दे, एक हफ्ता जाता हूँ मैं, एक हफ्ते बाद मैं युक्ता और युक्ता के परिवार की सारी डिटेल लेके आता हूँ। कहता फिर देखते क्या करना है। मैंने कहा बहुत बढ़िया। अभी एक हफ्ते बाद आया, मुझे कहता विजय लिख। मैंने कहा हाँ बोल। कहता युक्ता के पापा के पास एक बड़ी गाड़ी है। मैंने कहा ठीक है आगे। कहता बस। मैंने कहा एक हफ्ते की डिटेल है, मैंने 5 मिनट मैं खड़ा हो जाता ना इसके घर के बाहर, इससे कहीं ज्यादा डिटेल लिया था मैं। मैंने कहा तो क्या हो गया, पापा के पास बड़ी गाड़ी है तो क्या हो गया, हमारे पापा के पास भी ऑल्टो है, भाई ऑल्टो बेचेंगे थोड़े पैसे मिलाएंगे हम भी बड़ी गाड़ी ले लेंगे। कहता नहीं, इसके पापा के पास बहुत बड़ी गाड़ी है। कहता ऑल्टो बेच के थोड़े पैसे नहीं मिलाने पड़ेंगे, हो सकता है तुझे बहुत सारे पैसों में अपने पापा की थोड़ी सी ऑल्टो मिलानी पड़े। मैंने कहा मेरा बाप तो जान से मार देगा, वो तो सोता भी उसी में है। मैंने भाई ये तो नहीं हो पाएगा। फिर मेरे को लगा, मैंने कहा भाई अपने पिछवाड़े पे खुजली है ना तो अपना पिछवाड़ा खुद खुजाना पड़ेगा, ये सच्चाई है दुनिया की, कोई मदद नहीं करता। फिर मेरे को लगा क्लास में युक्ता थी, जानते तो थोड़ी बहुत बात थी, मैंने कहा चल मैं ही पूछ लेता हूँ। तो मैंने उससे पूछ लिया, मैंने कहा यार ले जाता हूँ इसको कॉम्प्लेक्स में या मॉल में, ठीक है वहाँ पर भिखारी नहीं होते, पैसे दो तो वो दुआएं देते हैं, तुम्हारी जोड़ी सलामत रहे भगवान तुम्हारी जोड़ी में। मैंने कहा कुछ तो जाएगा युक्ता के दिमाग में, थोड़ा बहुत कुछ तो जाएगा। तो मैं गया हूँ, मैंने भिखारी को 50 रुपये दिए, वो हरामी मुझे दुआ क्या दे रहा, कह रहा भाई बहन का प्यार बना रहे। मैंने जाके उससे 50 रुपये छीने वापस। इधर देख किसी काम का नहीं है तू। युक्ता वहां से बोल रही है, कह रही तुम ऐसे लोगों के मुंह क्यों लगते हो, और ये बात वो भिखारी को बोल रही है। मैं उसको बोला मैं चल स्कूल चल, तो मैं वापस ले गया। फिर कहते हैं ना भगवान आपको मौका हमेशा देता है, तो प्रिंसिपल राउंड पे दी, तो उस वक्त सबसे पूछ रही थी कि तुम्हारे साइंस में कितने नंबर आएंगे, तो मेरा नंबर आया ना तो मुझसे पूछा कि साइंस में कितने नंबर आएंगे। मुझे मैंने मेरे को लगा ये इंप्रेस करने का अच्छा टाइम है, मौका है, तो मेरे से पूछा साइंस में कितने नंबर आएंगे, मैंने बोला 93। और भाई प्रिंसिपल और मेरे को मिला के है ना बाकी 60 बच्चे और एक मैथ्स का टीचर और था, सबकी गांड फट गई, सब मुझे देख रहे हैं और मैं उन्हें देख ही नहीं रहा। तो कहती है साइंस के टीचर को बुला के लाओ, इसका स्टेटस पता करो कि ये पढ़ाई में है कैसा। अब साइंस का टीचर बुलाते, इससे पहले मैथ्स का टीचर बोल पड़ा, कह रहा मैडम इसकी तो मैथ्स भी वीक है। कहता हो सकता है 39 बोलने वाला हो। कहता इसने गलती से 93 बोल दिया। भाई वहां मेरे को मैथ्स का टीचर ऐसी दुश्मनी हो गई ना, रोज जहर लगने लग गया। मैं ना प्यार मोहब्बत तो होता रहेगा बाद में, पहले इससे बदला लेते हैं, मैं इसका कुछ करते हैं। फिर हमने एक और बहुत ही फुद्दू सा फिर दोबारा प्लान बनाया। मैंने कहा एक काम करते हैं, इसका ट्यूशन ज्वाइन करते हैं और इसका रिजल्ट खराब करेंगे। तो हम उसके ट्यूशन में गए। अब हुआ क्या, हम आधे घंटे पहले पहुंच गए, तो जैसे ही हम अंदर घुसने वाले थे ना, तो टीचर है ना कंप्यूटर पे वो मूवी देख रहा था, वो इनकॉग्निटो मोड पे देखते ना है ना छुप छुप के, वो मूवी देख रहा था। और जसविंदर जैसे ही एंटर हुआ ना, मुझे कहता अभी ये तो पोन देख रहा है। मैंने कहा तो पकड़ ना। कहता नहीं मौके पे पकड़ेंगे। मैंने कहा वो खुद थोड़ी ना वीडियो में। मैंने कहा मौका क्या होता है यार,
मैंने कहा भाई जल्दी पकड़, कह रहा नहीं अभी लड़की सिर्फ कपड़े उतार रही है। मैं अब एकदम एंटर हो गया, मैंने कहा चल। अब जैसे ही घुसे ना तो टीचर ने विंडो डी कर दिया, अब सारी जो विंडो थी ना वो मिनिमाइज हो गई। मैंने टीचर से, मैंने कहा सर क्या कर रहे थे आप, कहता कुछ नहीं कुछ सवालों के जवाब ढूंढ रहा था। तो मुझे है ना, मुझे थोड़ा बहुत है ना कंप्यूटर आता था, तो मैंने ना ऑल टैब कर दिया तो सारी विंडो मैक्सिमाइज हो गई। मैंने उसको बोला, मैंने सर आपके सवाल तो शोर मचा रहे हैं। तो जो अमित था ना उसके पास 6600 मोबाइल था उस वक्त, तो उसने एकदम फोटो खींच ली ब्लैकमेल करने के लिए और हम चले गए। अगले दिन देखा अमित मोबाइल का लॉकेट डाल के चौड़ में घूम रहा है स्कूल में। ऐसा ओवर कॉन्फिडेंस, और हमें लग रहा हम तो पास हो गए अब इस बार, हमारा तो बैकअप प्लान तैयार है। अब जैसे टीचर अंदर हुआ घुसा अगले दिन, जसविंदर उसको छेड़ कैसे रहा, उसने स्केल निकाला टीचर के सामने कर रहा फक 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 फक। अमित उससे कह रहा सर वो जो कंप्यूटर में कल आपके क्वेश्चन फंसी हुई थी वो यहाँ सॉल्व कर सकते हो क्या। लेकिन होता है ना, हमारे पास बैकअप था, मोबाइल की पावर थी हमारे पास। तो पता नहीं युक्ता को कहाँ से पता चला, तो आई मेरे पास, कह रही विजय यार मैंने है ना पढ़ाई भी नहीं करी है और मुझे तो लग रहा मैं इस बार पास भी नहीं हो पाऊंगी, तू कुछ कर सकता है क्या। मैंने कर सकता है, मैंने कहा भाई बोल दे पास हो गई। मैंने तू पास हो गई, कह रही क्या बात। मैंने हाँ हाँ, अब वो जैसी गई है सुन के इधर से अमित आया भागता हुआ, कह रहा यार गड़बड़ हो गई। मैंने कहा क्या गड़बड़ हो गई, कह रहा मैं ना नहा लिया। मैंने तो इसमें गड़बड़ वाली क्या बात है, कह रहा मैं मोबाइल पहन के नहा लिया। मैंने तेरी फूफी है ना वो खुशी के माने बताशे बांटने गई है। मैंने कहा उसको कमिट कर दिया है मैंने, कहता उसको मना करना पड़ेगा। अब हम गए युक्ता को, अब युक्ता अपनी सहेलियों के साथ लगी पड़ी है, उसकी सहेली उसको बोल रही है, कह रही है देख इस बार तो तू पढ़ाई भी नहीं कर रही है, कह रही पास हो जाएगी तू। तो युक्ता उसको कॉन्फिडेंस दे, कह रही मेरी छोड़ तू अपनी चिंता कर। कह रही मेरे तो 90% पक्के हैं। तो जसविंदर अमित मुझे देख रहे हैं, बहन तूने 90% कमिट कर दिया। मैंने कहा पागल हो गई है वो लड़की, मैंने कुछ कमेंट नहीं किया है उसको। मैं उसको बोला, मैंने कहा युक्ता क्या हो गया, मैंने कहा थोड़ा प्लान चेंज है। कह रही क्या हुआ, मैंने कहा ये मोबाइल पहन के नहा लिया। कह रही क्या, मैंने कहा ये मोबाइल पहन के नहा लिया। कहती क्या, मैंने कहा पागल मोबाइल पहन के नहा लिया। कह रही ऐसे कैसे नहा सकता है, मैंने कहा अरे, मैंने कहा क्या मतलब है नहा लिया, उसका मन था नहा लिया। कह रही लेकिन तुम तो बोलते थे 15 दिन में एक बार नहाता है। मैंने कहा कल उसका 15वां दिन था, नहा लिया वो। अब वो रोने लगी, प्यार रोता हुआ देखा नहीं जाता, ऐसा मन पसीजा ना। मैंने कहा तो रो मत मैं कुछ करता हूँ। हम गए टीचर के पास, हमने उसके हाथ जोड़े, घुटने पे बैठे, हमने कहा सर हमें फेल कर दो, हमारे नंबर काट लो, लेकिन युक्ता को पास कर दो। तो उसने हम तीनों की आंसर शीट उठाई। कहता एक बात बताओ, तुमने पूरी शीट पे जय माता दी के अलावा कुछ लिखा है। मुझे स्कोप तो देते तुम नंबर काटने के। मैंने कहा सर कुछ हो सकता है क्या, कह रहा हो सकता है। कहता तुम मुझे मोबाइल दे दो, मैं उसके बदले युक्ता को पास कर दूंगा। तो डील हो गई हमारी, तो हमने उसको मोबाइल दे दिया, उसने युक्ता को पास कर दिया। अब युक्ता को इम्प्रेस होना चाहिए था मुझसे, वो हो गई टीचर से। और तुम्हें समझ आता है अपनी क्रश को मैडम बोलना कैसा लगता है। थैंक यू वेरी मच, दैट वॉज माई टाइम, विजय चौधरी।